आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। विधायक ज्योति देवी के प्रयास से पतलुका पंचायत के ग्राम हाडे साड़ी तुलिया टोरा में टोकरी निर्माण कर रहे ग्रामीण लोगों को बेहतर रूप से हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देकर नई नई तकनीक का कार्य करने के लिए भारत सरकार के हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय के सहायक निर्देशक विकास आयुक्त मुकेश कुमार तथा हस्तशिल्प प्रमोशन अधिकारी अमित कुमार ने ग्रामीणों के बीच बैठक कर संबोधित किया। मुकेश कुमार ने टोकरी बनाने वाले बुनकरों को संबोधित करते हुए बोले कि यह उद्योग बहुत सराहनीय है। कुछ बांस के बने वस्तुओं को मॉडल के तौर पर भी देखा है। उन्होंने कहा कि घर में उपयोग करने वाले छोटी छोटी टोकरी, पूजा में उपयोग आने वाली डलियां तथा घर की सजावट वाली वस्तुओं को निर्माण किया जा सकता है, जिसका बाजार हर जगह उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यदि आप लोग तैयार हैं तो प्रति घर से एक व्यक्ति की समूह को 25 दिन का प्रशिक्षण लिया जाएगा। इसके बदले उन्हें 2500 प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तित्व निर्माण संबंधी उपकरण भी निशुल्क सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उपस्थित ग्रामीण टोकरी को शिल्प उद्योग के बारे में डिजाइनर अरविंद चौहान, रूपक कुमार, सुप्रिया भारद्वाज ने अपने अपने अंदाज में बातें रखी। अंत में माननीय विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अपनी जीवनी की संघर्ष काल को बताते हुए लोगों को हमेशा जीवन में कुछ नया करने की प्रशिक्षण लेकर इसका लाभ उठाने के लिए आग्रह किया। इस कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि रामविलास शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर हर घर के प्रति एक व्यक्ति अपनी कला को निहारने का काम करेंगे तो गरीबी से निजात पाई जा सकती है। सोच बदलनी होगी तभी किस्मत बदल लेगा। कामगार, किसान, मजदूर कभी भूख का शिकार नहीं होते हैं। हमेशा अपनी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। काम उनके पास खुद कदमों पर आएंगे। देश राज माननीय विधायक महोदय वस्त्र मंत्रालय के टीम के साथ इस गांव में पहुंचने का काम किए। पलतुका पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बालेश्वर यादव, सामाजिक कार्यकर्ता बालेश्वर प्रसाद, भाजपा अध्यक्ष हेमराज प्रसाद वर्मा समेत सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।